है, बड़ी खबर है, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर जारी आंदोलन से जुड़ी हुई खबर। निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का फिर से संपूर्ण बहिष्कार किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी, यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल ऑफ राजस्थान, उपचार का यह आह्वान दोनों संगठनों की ओर से गठित ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति PHNHSC के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जयपुर के सभी निजी अस्पतालों में RGHS और चिरंजीवी योजनाओं का बहिष्कार होगा। दो दिन बाद समस्त राजस्थान में अनिश्चितकालीन संपूर्ण मेडिकल बंद किया जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ी खबर और उस पर पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कल तक जहां पर असर देखने को भी नहीं मिल रहा था और व्यापक असर नहीं था इस बंद का, जो कि एक धड़ा कर रहा था और दूसरा धड़ा उसके पक्ष में था, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि निजी अस्पतालों में फिर से सरकारी योजनाओं का संपूर्ण बहिष्कार, यानी कि आम जनता के लिए फिर से मुसीबत एक बार। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए जयति, बिल्कुल जो राइट टू हेल्थ का बिल जो है उसको लेकर के विरोध जो है वो स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे। एक धड़ा जहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष में आ गया है कि ठीक है, सरकार ने जो फैसला किया है उसका समर्थन किया जाता है, लेकिन साथ में दूसरा पक्ष जो है प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल सोसाइटी जो है उसकी तरफ से कल बंद का आह्वान किया गया था। कल बंद जो है उसका मिला जुला असर रहा। उसके बाद में देर रात को एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा कि तमाम जो निजी अस्पताल हैं उन निजी अस्पतालों में आज से सरकारी योजनाएं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो चाहे RGHS योजना, सभी का बहिष्कार किया जाएगा और उसका व्यापक असर जो है अस्पतालों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अस्पताल अपने स्तर पर इस बात का डिसीजन कर सकते हैं कि वो इस योजना का फायदा देवे या नहीं देवे। और इसी बात को लेकर आज सभी अस्पतालों के अंदर मरीज जो है उनको भी संशय इस बात को लेकर कि उनको योजना फायदा मिलेगा मिलेगा। अभी हम खड़े हैं जयपुर के माल्या नगर स्थित एक निजी अस्पताल में और यहाँ की स्थिति बताते हैं हम आपको। सुबह से वर्किंग यहाँ जरूर हो रही है, लेकिन साथ में जो कह सकते हैं कि योजनाओं का फायदा देने की बात है वो भी उसका भी मिला जुला असर है। जो बताया जा रहा है कि इस अस्पताल के अंदर जो योजना है उसका फायदा जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ में और दूसरे अस्पताल है, तकरीबन PNHS ने करीबन 150 के आसपास अस्पतालों की सूची जारी की थी और इन अस्पतालों की सूची में कहा गया था ये अस्पताल जो है वो जयपुर के अंदर बिल्कुल कामकाज बंद रखेंगे सरकारी योजनाओं का। इसके साथ में उन्होंने कहा कि अगर दो दिन के अंदर सरकार इस पूरे मामले में कोई हल नहीं निकालती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस नहीं करती है और RTH जैसा फैसला नहीं करती है तो संपूर्ण राजस्थान में मेडिकल बंद जैसा आह्वान जो है वो किया जाएगा, जिसमें मरीजों को जो दिक्कत होगी उसका सीधा जो जिम्मेदारी है वो सरकार की खुद की होगी। लेकिन अगर बात करें इस पूरे मामले में तो राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार ने काफी हद तक सहमति बना ली है। 20 या 21 तारीख को विधानसभा के अंदर बिल पेश किया जाएगा और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। और बात करें जो डॉक्टर्स के दूसरे धड़े की या जॉइंट एक्शन कमेटी की, तो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कल एक बड़ा बयान आया था जिसमें कहा गया था कि सरकार का फैसला जो है उसको हम मानने को तैयार हैं, बशर्ते जो हमने बिंदु दिए थे उन बिंदुओं पर काम हो, अगर उन बिंदुओं पर काम नहीं होता है तो हमको भी मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। यानी कि दूसरा धड़ा है वो भी प्रेशर बढ़ाना वो शुरू दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक आंदोलन शुरू नहीं किया है। यानी कि सरकार के पक्ष में पूरा माहौल है, लेकिन साथ में एक बड़ी गेंद जो है वो भी सरकार के पाले में छोड़ दी गई है कि वो जो भी बिंदु रखे गए थे उन पे क्रियान्वयन करे ताकि जो विरोध है वो स्वर ज्यादा उठे नहीं। जी ठीक है विकास, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।